everyone. Theatre of Generation Next, Surat, welcomes you all. आप सभी का स्वागत करते हुए हम प्रस्तुत करते हैं एक मौलिक एकांकी सर्जन दिग्दर्शक। प्रोड्यूसर राकेश चौबे, राइटर प्रियम जानी, डायरेक्टर ऋषि झवेरी, म्यूजिक ओजस भट्ट, लाइट्स परेश मिस्त्री, सेट डिजाइन नील दोषी, एक्टर्स प्रियम जानी एंड आदित्य ठाकुर। स्पेशल थैंक्स प्रतीक पटेल, तुषारिका राजगुरु एंड सार्वजनिक कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स सूरत। तो प्रस्तुत है एक मौलिक सर्जन दिग्दर्शक। अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा को द्रोण ने चढ़ाई थी, लेकिन आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने धनुष को, मरोड़ दिया। कुचले हुए साफ साफ भयावह, किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये, जैसा है मेरा मन। अरे किसके बल पर लूंगा प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में भयानक, इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं, कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। अरे आप बैठिए ना। इतने सालों के बाद ऐसे अचानक, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं, आप कैसे? मैं कैसा हूं? अरे भाई इस मंच जैसा पुराना, धूल से जमा हुआ और बिल्कुल सूना। अरे तुम तब से नीचे बैठे थे क्या? जी हाँ, बस आपको परफॉर्म करते हुए देखना था। क्या देखा? यही ना कि मैं कितना कमजोर हो गया हूं? जी नहीं, देखा कि कितना कुछ सीखना बाकी है आपसे। आप रोज शाम यही बिताते हो? भाई मेरा बस चले तो मैं पूरा दिन यही पे बिताओ, लेकिन काम इतने करने पड़ते। सुबह उठकर मंदार, मंदार यानी कि मेरा पोता, सुबह उठकर मंदार को स्कूल छोड़ने जा, उसके बाद घर आकर विजय के लिए खाना बना, उसके बाद घर की साफ सफाई करते करते 12 तो बज ही जाते। 12 बजे दोबारा मंदार को स्कूल से लेने जाओ, उसके बाद पूरी दोपहर चली जाती है उसका होमवर्क कराने में। फिर शाम को मैं उसे ट्यूशन छोड़ने जाता हूं और वहां से मैं सीधा यहां पे चला आता। 8:30 बजे उसका ट्यूशन खत्म होता है, तब तक मैं यही पे रहता। 6:30 से 8:30 यानी सांस तो 24 घंटे लेता हूं, लेकिन जीता सिर्फ 2 घंटे हूं। पर सच में हर से बाद आपको परफॉर्म करते हुए देखा। पर आज भी मेरा सवाल वही, आप जो भी कैरेक्टर करते हैं उसमें इतनी
इतनी डेप्थ कहां से लाते? अरे भाई, मेरा जवाब तो आज भी वही है। जो भी कैरेक्टर करता हूं उससे कहीं ना कहीं मैं अपने आप को रिलेट कर पाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अश्वत्थामा, मैंने मंच पर अनगिनत कैरेक्टर्स निभाए हैं, लेकिन अश्वत्थामा एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे मैं अपने आप को सबसे ज्यादा रिलेट कर पाता हूं। उसकी पीड़ा, आक्रोश, बेचैनी और लाचारी, और तो और उसे भी धोखा देकर परास्त किया गया था ना। आप अब भी नाराज है ना मुझसे? अरे बेटा, वो रुके, मैं किसका है जल्दी बता। हाँ विजय। हाँ बाबा, मैंने लाइट बिल तो कब का भर दिया था। आप, मैंने नल भी रिपेयर करवा दिया था। अरे प्लम्बर तो 100 रुपए मांग रहा था, मैंने आधा घंटा तोलमोल किया, तब जाकर 80 लेने को राजी हुआ। मैंने तोलमोल किया। अच्छा सुन, आज सब्जी कौन सी बनाओ? भिंडी। हाँ बरे, नहीं नहीं मुझे याद है, मैं मंदार को लेता हुआ सीधा घर आ जाऊंगा और 1 मिनट भी लेट नहीं हो, तो बिल्कुल भी फिक्र मत कर। ये सब नाटक आपने अभी भी संभाल कर रखे? ये कहना बेहतर होगा कि इन नाटकों ने मुझे अभी तक संभाल के रखा है बरकुरदार, वरना पता नहीं मेरा क्या हो जाता। पगला घोड़ा है वदन। आधे, अरे जनाब आधे अधूरे, कुछ याद आया? कैसे भूल सकता हूं हमारी पहली मुलाकात। अरे अंदर आए कहा? यस। अरे वो बत्रा साहब भेजे, जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर बत्रा, वो बोले कि आपको अपने नाटक के लिए बनाऊं। हीरो चाहिए? हीरो नहीं, एक्टर चाहिए, एक्टर। अरे हाँ भाई भाई, अंदर आएगा। बत्रा ने बताया नहीं कि मैं वक्त का कितना पाबंद हूं? अरे बताया तो था, पर आज लल्लन का जन्मदिन था ना। अरे लल्लन यादव, अरे सर में एक ही तो दोस्त है हमारा, लल्लन यादव जूनियर आर्टिस्ट है, अमरी साइड का, ये यूपी वाला। हम तो बोले कि आज हमारा वो का कहते हो का, हाँ रिहर्सल बा, रिहर्सल। तो वो बोला कि अबे रिहर्सल जो रोज रोज होगा, रोज का जन्मदिन थोड़ी ना रोज होगा, इसलिए थोड़ा देर हो गया। तुम रहते कहां पर हो? दादा लिस्ट में पीजी रूम है, वहीं रहते हैं 6 लोगों के साथ। और मुंबई में कब से हो? 10 दिन। इससे पहले कभी तुमने नाटक में काम किया? अरे बचपन में एक बार बंदर सेना का हिस्सा रहते हम गांव की रामलीला टोली में। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जाहिर है कि तुम मुंबई फिल्म स्टार बनने आए, ये नाटक वाटक में काम करने से क्या मिलेगा? अरे सच बोले ना तो ये नाटक वाटक सब छोटा चीज बा। ओ अरे हमको तो सिनेमा के पर्दे पे आना है, सिनेमा की। पर हम लोग बत्रा साहब बोले कि ये नाटक के कलाकार को जल्दी मौका मिल जाता फिल्मों में, इसलिए हम यहाँ बता रहे। अच्छा वैसे बत्रा साहब एक बात और बोले कि नाटक से बहुत कुछ सीखने को मिलबू। सटके आ गए इन बा बत्रा। अरे वो का नहीं मालूम, हमका कछु सीखने का जरूरत नहीं। अरे हमका तो सब आवत है। तुम्हें सब आता है? क्या बात है, पहली बार ऐसे किसी शख्स से पाला पड़ा है भाई। मेरे लिए जरा ये पढ़ने का कष्ट करोगे? क्या है कॉन्ट्रैक्ट है क्या? पढ़ना क्या है, पहन लाइए ना, सीधा साइन कर देते हैं। नाटक की स्क्रिप्ट है जिसे आपको नीचे बैठकर पढ़ना होगा, नीचे। आप जल्दी बैठ जाइए और अपनी आवाज बड़ी रखना, ये थिएटर तुम्हारा सिनेमा नहीं। ठीक है, आप पढ़ो। आधे अधूरे, लेखक मोहन राकेश। आई मोहन राकेश, अरे जोड़ी है क्या सलीम जावेद जैसा? नहीं, एक ही आदमी है मोहन राकेश। साला बिना सरनेम का लेखक बन गया। अच्छा ये नाम अधूरा, इसलिए से आधे अधूरे नाटक लिखता है क्या? ऐसे काहे घूर रहे हैं, पढ़ते हैं ना। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत, 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 शुरुआत नहीं,
शुरुआत शाह। नेताम भाई तो बोल रहे हैं शुरुआत। शुरुआत नहीं शुरुआत, शिरोमणि का शाह। शिरोमणि का शाह, शिरोमणि, शिरोमणि नहीं, शिरोमणि का शाह, शिरोमणि का शाह। डू यू गेट इट? शाह सा शिरो। अरे तुम सबूत का सा बोल रहे हो, मुझे शिरोमणि का शाह सुनना है। शाह सा अरे आप जो सा बोल रहे हो वो हमारे जुबान से निकल ही नहीं रहा। अरे बाप रे, लेकिन आपको तो सब कुछ आता है ना, सब कुछ। आप पढ़िए पढ़िए आगे पढ़िए। मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या आशा कर रहे हैं। बावजूद आपको ये पसीना पसीना पहुंचो और जल्दी पढ़ना शुरू करो। कमान मेक इट क्विक, मेरे पास पूरा दिन नहीं है तुम्हारे लिए। मैं नहीं जानता कि आप लोग आवाज क्यों धीमी हो गई। कहा था ना तुमसे कि अपनी आवाज बड़ी रखना, ये थिएटर है, तुम्हारी आवाज मुझे आखिरी नोट तक सुनाई देनी चाहिए। कमान जोर से पढ़ो, सब कुछ आता है, पढ़ो। मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या आशा कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो तुम, कबाड़ा कर रहे हो। बेस बेस मंत्र सप्तक का होता है। अरे क्यों हमारी टांग खींचा कर रहे हो भैया, आपको तो सब कुछ आता है ना। देखिए हमका नहीं आवत है। क्या 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 मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से बोलो। हमका नहीं आवत है, कछु नहीं आवत। माफ करना मेरे दोस्त, तुम्हें नीचा दिखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, यकीन मानो। मैं तो तुम्हें बस ये समझाना चाहता था कि घमंड के चश्मे उतारोगे नहीं तो हर जगह भ्रमी दिखाई देगा। शा सा नहीं बेटा, तुम ध्यान से सुनो। शा सा बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम शब्द का उच्चारण करो तब तुम्हारी जुबान से हवा निकलनी चाहिए कुछ इस तरह। शा सा नहीं, ध्यान से सुनो। शा सा शा और एक बार शा जोर से शा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अब इसे इस पूरे वाक्य के साथ पढ़ो। कम ऑन यू कैन डू इट। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। गुड। अरे नहीं बेटा नहीं, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है थिएटर में चलने का। एक बात हमेशा याद रखना कि थिएटर में तुम्हारी चाल बिल्कुल तुम्हारे कैरेक्टर के अनुरूप होनी चाहिए, यानी किरदार अलग तो चाल भी अलग। लेकिन एक बेसिक रूल है जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ। थिएटर में तुम्हें जिस दिशा में आगे बढ़ना, सबसे पहले उस दिशा का पैर आगे बढ़ा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दाई ओर जाना है तो सबसे पहले मैं दाया पैर आगे करूंगा, और अगर मुझे बाई ओर जाना है तो सबसे पहले मैं बाया पैर आगे करूंगा। समझ गए? फिलहाल तुम मेरी तरह एकदम सिंपल चलने की कोशिश करो। ओके जी। वो जनाब वो। अरे भाई एक और रूल तो मैं तुम्हें समझाना भूल ही गया, जब तक तुम्हारे नाटक का दिग्दर्शक ना कहे तब तक ऐसे नीचे या ऐसे एकदम ऊपर नहीं देखना चाहिए। डायलॉग हमेशा आंखों में आंखें डालकर दिया, और अगर तुम्हें ऑडियंस में डायलॉग देना है तब तुम्हारा आई कॉन्टेक्ट बिल्कुल तुम्हारे कद के बराबर होना चाहिए। समझ गए? जी। ये तुम कहां जा रहे हो, तो तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा। बस बस हाँ, क्या कर रहे हो? हाँ मानता हूँ कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी आवाज आखिरी रो तक पहुंचनी चाहिए। अरे लेकिन कम से कम पहली रो वालों का तो लिहाज करो, उनके तो कान के पर्दे फट जाएंगे ऐसे चिल्लाओगे। अभिनय में सबसे जरूरी होता है वॉइस मॉड्यूलेशन और वेरिएशन। एक सिंपल डायलॉग को अलग अलग वेरिएशन के साथ पेश करना सीखिए। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हारा डायलॉग क्या है, कम ऑन रीड इट। ये तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा। ओके फाइन, बहुत ही सिंपल डायलॉग है, लेकिन देखो मैं इसे कितने वेरिएशन देता हूँ। वेरिएशन नंबर एक गुस्से के साथ, ए कहाँ पर जा रहे हो। वेरिएशन नंबर दो डर के साथ,
कब कहां पर चार कब वेरिएशन नंबर तीन शरारत वाला टोन कहां पे जा रहे हो कहां पे यानी एक सिंपल डायलॉग को अलग अलग वेरिएशन के साथ पेश करना सीखो और जहां तक वॉइस मॉड्यूलेशन का सवाल है एक बात हमेशा याद रखो थिएटर में कभी भी गले का नहीं हमेशा पेट का इस्तेमाल किया करो एक लंबी सांस लो और पेट से आवाज निकालो कमाल ये तुम कहां जा रहे हो तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा गुड जनाब हम दिल से कह रहे हैं अगर आप नहीं मिलते ना तो हम बंबई की गलियों में ऐसे भटकते रह जाते नहीं बेटा नहीं ये बिल्कुल ही गलत बात बहुत कम समय में तुमने अपनी मेहनत और अपनी लगन से काफी कुछ हासिल कर लिया है पर इसका श्रेय भी तो आप ही को बस बस अब ज्यादा मक्कर लगाने की जरूरत नहीं अरे नहीं बस मेरी बात सुन उस दिन जो मैंने तुम्हें आषाढ़ का एक दिन की स्क्रिप्ट दी थी ना जी आज उसे रिहर्सल पर लेते हुए आना मैं तुम्हें कालिदास का किरदार दे रहा हूँ इमरान अरे पर जनाब क्या हम ये कर पाएंगे अरे बिल्कुल कर पाओ तुम ही कर पाओ देखो मुझे सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर याद है उस दिन मैंने तुमसे क्या कहा था कि ज्ञान तो एक विशाल समंदर की तरह है रोज उत्सुक होकर इस समंदर में गोते लगाओगे तो रोज एक नया मोती तुम्हारे हाथ लगेगा पर अगर इस समंदर के किनारे बैठे रहोगे तो रेत और पत्थर ही नसीब होंगे याद है तुम्हें मेरी तमाम बातें याद पर एक बात मैं आपसे हमेशा पूछना चाहता वो कौन सी कि मेरा हुलिया मेरा रवैया मेरी जुबान ये सब एक जानवर से भी बदतर है फिर भी आपने मुझे अपने ग्रुप में शामिल किया यानी कि इनडायरेक्टली तुम अपनी तारीफ सुनना चाहते हो बस बस मैं सब समझता हूँ भाई तुम्हारी एक चीज मुझे बहुत पसंद आई थी बरखुरदार ईमानदारी वो रिहर्सल का पहला दिन था और तुम ये जानते थे कि मैं वक्त का कितना पाबंद हूं मगर फिर भी तुमने देरी से आने का कोई बहाना नहीं दिया तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद पहली इंप्रेशन अच्छी रहे इस डर से बहाना बना देता लेकिन तुमने बिना पलक झपकाए सच कह दी आप मेरी फिल्में देखते हैं आप अब भी नाराज है ना मुझसे आखिर कब तक नाराज रहेंगे आप मुझसे आप कब तक तेरी की अरे भाई रोज छाता लेकर घर से निकलता था तो बारिश की एक बूंद तक नहीं टपकती थी और आज छाता घर पर भूल गया तो इतनी तेज बारिश देखो देखो मौसम और इंसान दोनों अगर बोलकर बदलते तो कितना सरल हो जाता ना जीवन देखिए मुझे नहीं लगता कि मैंने जो कुछ भी किया था वो गलत तुम जब भी झूठ बोलते थे तब अपनी नाक सहलाते थे यो देखिए मैं सच कह रहा हूँ आई डोंट रिग्रेट माय डिसीजन गुड वेरी गुड बिकॉज यू शुडंट हाँ बहुत नाराज है ना मुझसे भाई एक बात का आज फैसला हो ही जाए ये सब बेकार का भूसा तुम्हारे भेजे में कौन भरता है भाई मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं आप जब भी झूठ बोलते थे तब अपनी आईब्रो को जाते थे यूं इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं अरे अंधेरे में धकेलते जा रहे हैं एक दूसरे को उस कर्कश वास्तविकता के उजाले से ये फरेब का अंधेरा कई बेहतर है देखिए वो वास्तविकता चाहे कितनी भी कर्कश क्यों ना हो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं मेरी बात मानो उस राज को हम राज रहने दे तो कई अच्छा देखिए वो राज जाने बिना मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं और ना ही मैं आपको जाने दूंगा सुना आपने मैं आपको नहीं जाने दूंगा पापा इट्स माय बर्थडे टुडे बेटा तुम समझते क्यों नहीं अगले महीने शो और जो लड़का कालिदास का किरदार कर रहा है ना वो बिल्कुल नया है मुझे मुझे काफी सारा पॉलिशिंग करवाना है प्लीज पापा अब एक दिन के लिए डायरेक्टर का लिबास उतार कर पिता का लिबास नहीं पहन सकते विजय एक दिन तुम्हारी माँ ने भी कुछ ऐसी इज्जत की थी
बिल्कुल ऐसे। वो हमारी शादी की पहली सालगिरह थी और उसकी जिद की वजह से मैं रिहर्सल पर नहीं गया। हम दोनों होटल गए, दोस्तों को बुलाया और बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेशन भी किया। सेलिब्रेशन के दौरान मुझे पता चला कि गुरुजी के बेटे और बहू की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। लेकिन फिर भी गुरुजी रिहर्सल पर मौजूद थे। विजय मौजूद थे। विजय मैं स्तब्ध हो गया, ठिठुर गया। अरे उनकी दुनिया उजड़ गई थी मगर फिर भी वो रिहर्सल पर मौजूद थे और मैं सिर्फ शादी की सालगिरह मनाने के लिए रिहर्सल पर नहीं गया। और बेटा उस दिन से मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी निजी जिंदगी का साया तक मैं थिएटर पर नहीं पड़ने दूंगा, यानी नहीं फटेगा। पापा आपकी निजी जिंदगी का साया तक नहीं पड़ता थिएटर पर, थिएटर का साया आपकी निजी जिंदगी पर पड़ता है, उसका क्या? बेटा तुम समझते क्यों नहीं, मेरे सारे कलाकार नए हैं। अगर मैं लापरवाह हो गया तो क्या उन पर गलत छाप नहीं पड़ेगी बेटा? क्या उन्हें गलत सबक नहीं मिलेगा? यही सबक वो अपनी आने वाली पीढ़ी को देंगे और वो आने वाली पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को। और अगर ऐसा हुआ ना तो थिएटर का भविष्य कभी भी सुनहरा नहीं हो पाएगा, समझो? आपको थिएटर के भविष्य की फिक्र है, बेटे के वर्तमान की कुछ नहीं पड़ी। अंग्रेजी में कहावत है बेटा, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड इट मस्ट बी एंड्योर्ड। मेरा इंतजार मत करना और सो जा, मुझे काफी देर हो। पापा अंग्रेजी में एक और कहावत है, बेटर लिव देन नेवर। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जनाब लीजिए केक काटिए। अरे भाई ये केक और ये सब, अरे आज क्या मेरा जन्मदिन है क्या? भूल गए क्या? आज 1 अप्रैल है, लीजिए लीजिए केक काटिए। नहीं नहीं, वैसे भी मेरी जिंदगी में अब जश्न मनाने लायक तो कुछ बचा ही नहीं है ना। और कहीं ना कहीं इसकी वजह मैं है ना? तुम्हें पता है कि मंदार का ट्यूशन कहां पर है? बैराम बाग के बगल में एक पुरानी और झुकी हुई इमारत है, 4 माले धीरज अपार्टमेंट। उसके 4th माले पर मंदार का ट्यूशन है। अब शुरू शुरू में किसी तरह मंदार की उंगली थामकर हाफते हाफते में 4 माले चढ़ जाता था, लेकिन 4th माला आते आते मेरे घुटने जवाब दे देते थे। पर फिर भी मैं अपनी मुस्कान तो ज्यों की त्यों ही रखता था ताकि मंदार को गिल्टी फील ना हो। लेकिन फिर भी मंदार तो सब कुछ भांप लेता था, क्योंकि जो रुदन सुनाई और दिखाई नहीं देता ना, वो सामने वाले को और गहराई से स्पर्श कर जाता है। मंदार को भी कर गया। कुछ दिनों बाद उसने मुझे 4 माले चढ़ने से साफ मना कर दिया। अब वो ट्यूशन टीचर के घर के बालकनी में जाकर गुड बाय करता, काइंड ऑफ कंफर्मेशन दैट आई हैव रीच्ड सेफली। लेकिन वो जब तक 4 माले चढ़कर बालकनी में पहुंचता है, तब तक पता है मैं क्या करता हूं? टक टक ही बांध कर बिल्डिंग की सीढ़ी को देखता रहता हूं। एक टक सोचता हूं कि जो लोग इस सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये सीढ़ी क्या है? सिर्फ एक निर्जीव ढांचा जिस पर पैर रौंद कर वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है और मंजिल मिलने के बाद सीढ़ी को देखते तक नहीं। यस, नो इमोशनल कनेक्शन एट ऑल। और इस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, यानी सीडी का राजी खुशी नहीं, सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि और कोई चारा नहीं है ना। और ये सब सोचने के बाद मेरे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर तुम्हारी आती है, तुम्हारी, क्योंकि तुमने भी थिएटर का सीडी की तरह इस्तेमाल किया। राजी खुशी नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि और कोई जरिया नहीं था ना मंजिल तक पहुंचने के लिए। हाँ, थिएटर तुम्हारे लिए सिर्फ एक सीढ़ी थी, एक निर्जीव ढांचा जिस पर पैर रौंदते वक्त कोई उसकी
जहन में होती है सिर्फ मंजिल, और एक बार मंजिल मिल जाना फिर इस सीढ़ी से मुंह मोड़ लिया जाता है। उस दिन कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि मैं थिएटर छोड़ना चाहता हूं। तुम्हारे लिए तो थिएटर बगीचा था ना, कि मन किया दबाए और मन उग गया तब चल दिए। लेकिन मैंने तुम्हें पहले दिन सिखाया था कि थिएटर की तुलना फौजी समुदाय से की गई है, क्योंकि थिएटर मांगता है संपूर्ण आत्मसमर्पण, निस्वार्थता और बलिदान। तब तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट? ये तुम कैसे बेहूदा बात कर रहे हो? जरूर तुम्हें किसी ने उकसाया है। देखिए, हम कोई खिलौना नहीं है कि कोई चाबी भरे और हम नाचे। अच्छा, तो एक दिन में कहा बना कैसे हो गए? अरे कल तक एक दिन की बात नहीं है, हम कई दिनों से कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम थिएटर छोड़ना चाहते हैं, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। और वैसे भी कौन सा आसमान टूट पड़ेगा, और अगर एक मजदूर काम हो जाएगा तो? मजदूर? हाँ मजदूर। अरे हम सब मजदूरी तो है जो आपकी महत्वाकांक्षा का बोझ उठाते हैं। अरे इतना शोषण तो कोई किसी मजदूर का भी नहीं करता। देखो बेटा, देखो मैं तुम्हारी रगरग से वाकिफ हूँ बेटा। ऐसे बेहूदा ख्याल तुम्हारे नहीं हो सकते बेटा। मुझे बता दो कि तुम्हें किसने भड़काया, मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ। कितना विश्वास है ना आपको कि हम उतने आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकते कि हमारे अपने निजी ख्यालात हो सके, हमारे अपने निजी मत हो सके। अरे आपको बस तानाशाही करनी है, नियमों की गंध इतनी फैला रखी है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वही नाटक देखो जिसका मैं सुझाव करता हूं, वही संगीत सुनो जिसका मैं सुझाव करता हूं, वही लिटरेचर पढ़ो जिसका मैं सुझाव करता हूं। ये फिल्मों का नाम लेना भी मेरे सामने मना है। रिहर्सल के बाद घंटों किसी फिल्म या टेलीविजन एक्टर की खिल्लियां, और आप किसी थिएटर के महारथी की गाथा गाओ। अरे हम सब कठपुतलियां हैं आपकी, अगर आपकी मनचाही दिशा में हमने कदम नहीं रखा तो आप दौड़ खींचेंगे और हमें धकेल कर दूसरी दिशा में पहुंचा देंगे। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि कभी कभार मेरा रवैया तुम लोगों को वाहियात लगता है, मैं जानता हूं एक बात को। मुझे भी कई बार ऐसा लगता है, कई बार सोचता हूं कि तुम लोगों को इस तरह बांध कर ना रखूं, लेकिन मैं तुम लोगों को कैसे खुला छोड़ दूं। मेरी जिंदगी का बहुत सा समय मैंने गलतियां करने में और उन्हें सुधारने में गवा दिया। तो हमें भी गलतियां करने दीजिए। आप सुनो, वो गलतियां इसका पता तो चलने दीजिए। किसने सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अपने अनुभव से सीखने दीजिए। मेरी बात सुनने के बस अब बहुत हो चुका। मेरी बात तो मैं ये सब छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूं। नमस्ते। नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे कम से कम मुझे इतना तो बता दो कि तुम्हें किसने उकसाया था। मेरी बात सुनो। अरे मैं कहूंगा पागलों की तरह सोचता रहूंगा। मेरी बात सुनो, मुझे बता दो, मुझे बता दो कि उस दिन तुम्हें किसने उकसाया था, ये कम से कम आज से मुझे बता दो। देखिए, अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि उस दिन मुझे किसी ने उकसाया था तो आपकी सोच बिल्कुल बिल्कुल सही है। किसने उकसाया था तुम्हें? अरे वो मूलचंदानी। कौन मूलचंदानी? वो सीक्रेट फिल्मों का डायरेक्टर। जी हाँ भाई, उसने मुझे बताया कि वो मुझे अपनी एक फिल्म में कास्ट करना चाहता था, पर आपने मुझ तक वो बात पहुंचने ही नहीं दी। नहीं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ। अगर आप इस बात को सच मान लेते तो मैं काफी निराश होता। चलिए, कम से कम आपको इतना तो यकीन है कि कोई हैरा गहरा हमारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। ये गोल गोल बातें करना बंद करो, मैं तुम्हारी जुबान से सिर्फ सच सुनना चाहता। मैं भी जनाब, मुझे भी सच सुनना। आपको क्या लगे? कि आप कहेंगे कि मैं तुमसे इसलिए नाराज हूं क्योंकि तुमने थिएटर का सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया है, और मैं ये सब सच मान के यहां से चला जाऊंगा? देखिए, आपके सवाल का जवाब मेरे पास है और मेरे सवाल का जवाब आपके पास। और तुम मेरे सवाल का जवाब तब तक नहीं दोगे जब तक मैं तुम्हारे सवाल का जवाब ना दे। जो तुम मेरी डफली बजाए तो मैं तेरा राग लापू। ना ना ना, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। It sounds more sophisticated. क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं? अरे कल तक जिसके मुंह में हमेशा चौरस से अच्छा बीड़ी और लवली डार्लिंग गुटका हुआ करता था, आज वो सोफिस्टिकेशन की बात कर रहे हैं। ये हुआ करता है। हाँ,
अब नहीं, हुआ करता था। अच्छा था, अब नहीं। एक मिनट जरा देखूं तो। नहीं देखने दो। अरे क्या? ये आप क्या कर रहे बंदर, चाहे कितना भी सयाना हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। अरे नहीं नहीं, ये तो मैं वो अपने अगली फिल्म में गांवटी का कैरेक्टर कर रहा हूँ, उसकी प्रिपेरेशन के लिए, यू नो मेथड एक्टिंग। यानी खूनी का किरदार मिलता तो तुम खून करते फिरते। मेथड एक्टिंग। अरे तुम्हारे बॉलीवुड में जिन्हें स्टानिस्लावस्की का पूरा नाम नहीं पता वो भी मेथड एक्टिंग करने का दावा करते। ये स्टानिस्लावस्की कौन? शाबाश, अब हुए तुम सच्चे बॉलीवुड सुपरस्टार। देखिए इतने साल बाद भी बॉलीवुड को लेकर आपकी राय नहीं बदली। बिल्कुल नहीं बरखुरदार, तुमसे मिलने के बाद तो मेरी राय और मजबूत हो गई है। जी हाँ, पर आप इस बात को नहीं ठुकरा सकते कि चाहे थोड़ी सही पर इंडस्ट्री ने तरक्की तो की। अरे थोड़ी क्यों, बहुत तरक्की की है। अरे पहले तो सिर्फ स्टोरी बार से उठाते थे, अब तो स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, म्यूजिक, पोस्टर और एक्टर भी बार से उठाते हैं। ऐसी बेहुदा फिल्में बनाते रहे तो एक दिन ऑडियंस भी बार से ही बुलानी पड़ेगी। हिंदुस्तानी ऑडियंस को आज अगर मीडियोक्रेसी की आदत पड़ गई है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बॉलीवुड है। देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती, जितना कसूर इंडस्ट्री का है उतना ही या शायद उससे ज्यादा कसूर हमारे इन दर्शकों का है। बताए हम ऐसी मसाला फिल्में क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये दर्शक उन्हें देखने आते हैं। अगर ये ऐसी फिल्मों को बॉयकॉट करना शुरू कर दे तो हमें झक मार के अच्छी फिल्में बनानी पड़ेगी। हाँ तो उसका जिम्मेदार भी तुम्हारा बॉलीवुड है भाई। 100 साल तक अगर मैं तुम्हें कचरा खिलाऊ और फिर अचानक कोई साफ सुथरी चीज दे दू तो ऑब्वियसली तुम साफ सुथरी चीज ठुकरा कर कचरा ही चबाओगे ना। इंडस्ट्री कहती रहेगी कि ऑडियंस को यही चाहिए तो हम क्या करें, और ऑडियंस कहती रहेगी कि इंडस्ट्री हमें यही दे रही है तो हम क्या करें। इसी तरह एक दूसरे पर इल्जाम डालते रहेंगे। इसी तरह फिल्मी एक्टर शिकायत के बजाय अफसोस मनाते रहेंगे। और फिल्मी एक्टरों को अफसोस करता देख आप थिएटर वाले इसी तरह जश्न मनाते रहेंगे। यस। कैसा लगा केक? बढ़िया है भाई, बढ़िया। एक बात कहूं? जी। चाहे किसी भी तरह से, लेकिन आज बहुत समय के बाद मैंने अपना जन्मदिन मनाया। चलिए तो फिर इस बात पर राज से पर्दा उठाई देते हैं। तो अच्छा जाकर देखो कितना कुछ कमाना बाकी है।
मेरा एक ही सपना था, केएल कॉलेज में इंजीनियरिंग करना चाहता था मैं, लेकिन मेरे पापा ने मेरा वो सपना कुचल दिया। आपके अस्तित्व का कोई अपमान करे तो आप सह सकते हैं, लेकिन आपके अस्तित्व को कोई नकारे ये सहना मुमकिन नहीं होता। और मेरे पापा मेरे अस्तित्व को नकारते हैं। एक तुम ही हो जो मुझे मेरे पापा लौटा सकते हो। मैं? हाँ, मेरे पापा को सबसे ज्यादा लगाव तुमसे। हो सकता है कि अगर तुम उन्हें धोखा दे दो तो ये सदमा वो बर्दाश्त ना कर सके और हमेशा के लिए थिएटर छोड़ दे। हो सकता है, मुझे मेरे पापा लौटा दो प्लीज, मुझे मेरे पापा लौटा दो प्लीज, मुझे मेरे पापा लौटा दो। एक तरफ गांव में तुम्हारे पिताजी बीमार थे और दूसरी तरफ मेरे बेटे की एडमिशन की डेट निकली जा रही थी, लेकिन मैंने एक पल सोचे बगैर वो सारे पैसे तुम्हें दे दिए। मेरा साथ छोड़ दिया, ये थी मेरे नाराजगी की वजह। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे ही बेटे ने उकसाया होगा। मुझे नहीं पता था आपने मेरे लिए अपने बेटे का सपना तक कुर्बान कर दिया, वो भी एक पल सोचे बगैर। कैसे? यकीन करना मुश्किल है ना कि मेरे अंदर भी जज्बात हो सकते। मेरा साथ छोड़ने के बाद तुम सीरियल में चले गए और देखते देखते सुपरस्टार बन गए। तुम्हारी कामयाबी से मेरे बाकी सब बच्चों को भी प्रेरणा मिली और वो भी एक एक करके मेरा साथ छोड़ के जाने लगे। कैसा लगता है जब घंटों बैठकर ताश का महल बनाते हैं और कोई एक पल में फूंक मारकर उसे बिखेर देता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, अरे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। एक सवाल का जवाब दो, मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? अगर वो पैसे मैं तुम्हें दे देता तो तुम पैसे गांव भेजते, तुम्हारे पिताजी का इलाज हो जाता, तुम्हारे सिर से टेंशन हट जाता और तुम पूरा फोकस थिएटर पर कर सकते, और इस तरह थिएटर को एक सेवक गवाना नहीं पड़ता। यानी जब तुम्हारी मदद की तब मेरे दिमाग में तुम्हारा नहीं थिएटर का ख्याल था। अरे कितना बड़ा स्वार्थी था मैं, कितना बड़ा स्वार्थी। काश मैंने विजय को थोड़ा सा समय दे दिया होता, थोड़ा सा। काश मैंने उसके सपनों को थोड़ी सी अहमियत दे दी होती, थोड़ी सी। काश मैंने विजय को थोड़ा सा प्यार कर दिया होता। काश आज अगर मैं, तुम और विजय इस मुकाम पर खड़े हैं ना, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ मेरा स्वार्थ। अरे हम कलाकार लोग इतने स्वार्थी क्यों होते हैं? जो कलाकार अपने परिवार को भुलाकर कला के पीछे दौड़ते हैं वो ये क्यों भूल जाते हैं कि अपनों को खुश रखना भी तो कला है। अब जाकर हुए आप एक अच्छे दिग्दर्शक। लेकिन मैंने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, घर जाकर सबसे पहले मैं विजय से माफी मांगूंगा और मुझे यकीन है कि मेरा बेटा मुझे माफ कर देगा। जरूर करेगा जनाब, जरूर। और मैं आपसे एक बात कहूं जनाब, अगर उस दिन विजय मुझे नहीं भी उकसाता फिर भी मैं एक ना एक थिएटर जरूर छोड़ता। जनाब हर कोई मशहूर होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि लोग उसे फेसबुक की बजाय विकिपीडिया पर ढूंढे। और वैसे भी बड़े सपने देखना कोई पाप तो नहीं है ना? लेकिन एक सवाल
मैं तुमसे हमेशा पूछना चाहता था जी, मुझे बताओ ना ये कामयाबी का स्वाद कैसा होता है, मुझे बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ, बताओ। अनजानी आंखों में भी जब अपने लिए प्यार देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बेटा तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं तुम्हारी फिल्में देखता हूँ या नहीं जी। अरे तुम्हारी सारी फिल्में देखी है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और आज तक न्यूज़पेपर में तुम्हारी जितनी तमाम तस्वीरें इंटरव्यू छपे हैं ना, वो सब मैंने संभाल के रखे। बेटा आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। सच? हाँ। पता है जरा, मेरे पास सब कुछ था, नाम, पैसा, अवार्ड, सब कुछ, पर फिर भी कुछ ना कुछ अधूरा सा लग रहा था। हमको कामयाबी गया जो किसी के साथ पार्टी ना जा सके। आज जाकर अपने आपको कामयाब महसूस कर रहा। अच्छा जनाब, वैसे मंदार का ट्यूशन खत्म होने में भी काफी समय बाकी है, तब तक क्या करें, एक नाटक? अरे अब कहाँ वो नाटक, फिर कभी, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ भाई। जनाब ये थिएटर है और थिएटर में रिटेक्स नहीं होते, आज अभी इसी वक्त। ये बात है, आ तो हो जाए आज अभी इसी वक्त, ये रही तुम्हारी स्क्रिप्ट और तुम्हारा कैरेक्टर है गांव से आया हुआ जाहिल लड़का जिसे ठीक से बोलना तो आता नहीं लेकिन अपने आप को स्टार समझता है। लेकिन हाँ ये नीचे बैठकर पढ़ना हुआ जी। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत कर दी ना गड़बड़। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा कैरेक्टर है गांव का जाहिल लड़का जिसे ठीक से बोलना नहीं आता। अब अगर उसे ठीक से बोलना ही नहीं आता तो स और श का फर्क कैसे पता चल गया।